सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसे कमेंट्स मिल रहे थे जिसमें जो है पूछ रहे थे हमारे दोस्त के सर LP स्विच और HP स्विच क्या होता है, इसके फुल मीनिंग क्या है और ये किस कारण जो है एयर कंडीशनर में लगाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, LP स्विच और HP स्विच कितने कितने प्रेशर पर काम करता है, इसकी वायरिंग कैसे की जाती है और ये कहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, इनका बेसिक जो वर्क है, जो फंक्शन है वो क्या है। मतलब कि इस वीडियो में आपको इसकी टोटली इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा एक चैनल है सॉफ्ट व्यू, जिसके ऊपर मेरा भाई ही काम करता है। सॉफ्ट व्यू चैनल है मोबाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एप्स रिव्यू से रिलेटेड वो वीडियोस अपलोड करता है, तो उस चैनल को जाकर जरूर सपोर्ट करें। उसका नाम है सॉफ्ट व्यू, उसका चैनल का नाम है, उसको सब्सक्राइब करें, उसकी वीडियो को वॉच करें अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है टेक्नोलॉजी के बारे में, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस चैनल को जाकर अपना पूरा प्यार जरूर दें और अपनी सपोर्ट दें, तो इस सॉफ्टवेयर चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और यहाँ पर जो है आपको LP स्विच और HP स्विच के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पर जो है LP स्विच और HP स्विच, LP मतलब लो प्रेशर, HP मतलब हाई प्रेशर, लो प्रेशर स्विच, हाई प्रेशर स्विच। अब यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं एक, जिसमें जो है मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि आउटडोर यूनिट में पाइप के साथ ये कनेक्ट है हमारा LP और HP स्विच, पाइप के साथ कनेक्ट है। ओके, इसकी दो वायर्स होती हैं। तो चलिए यहाँ पर आप देखते हैं लो प्रेशर स्विच जो है वो मैक्सिमम जो है वो 35 PSI से 40 PSI तक जो है वो काम करता है। ओके, मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं। तो यहाँ पर जो है और जो HP स्विच है, हाई प्रेशर स्विच जो है वो 400 से 450 PSI प्रेशर पर काम करता है, मतलब 400 से 450 तक PSI प्रेशर होगा तो ये ऑफ हो जाएगा। अगर लो प्रेशर जो है वो 35 से 40 प्रेशर तक जो है वो सेंस करेगा प्रेशर जो है लो प्रेशर स्विच, तो ऑफ हो जाएगा, वो मतलब सर्किट कट आउट कर देगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे पास थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट के दो पॉइंट होते हैं, एक इन और एक आउट। और थर्मोस्टेट आपको पता है, रेफ्रिजरेटर का ही बात कर लें, वो सीरीज़ में लगाया जाता है। तो सीरीज़ में क्या होता है, जब वो कूलिंग को सेंस करता है, ओके, कूलिंग प्रेशर, प्रेशर नहीं मैं कहूँगा, मतलब कूलिंग टेम्परेचर जो है वो हमारा जो हमने उसके ऊपर रेंज के मुताबिक सेट किया होता है, तो उसके मुताबिक टेम्परेचर कंप्लीट हो जाता है, तो वो क्या करता है, उसमें से सर्किट ख़त्म कर देता है। तो सीरीज़ में जो फेज़ होता है वो फेज़ वहाँ पर रुक जाता है, तो कंप्रेसर ऑन नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही ये काम करता है, लेकिन ये टेम्परेचर पर काम नहीं करता, ये प्रेशर पर काम करता है। अब ये लगा कहाँ पर होता है, यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि इसमें लो प्रेशर जो स्विच है वो आपकी सक्शन लाइन पर लगा होगा और जो हाई प्रेशर स्विच है वो आपके डिस्चार्ज कंप्रेसर के साथ, डिस्चार्ज आउटडोर यूनिट में ही ये दोनों लगे होते हैं, HP स्विच डिस्चार्ज पर लगा होगा। ये उसके असल में प्रेशर को जो है इसने सेंस करना होता है कि इसका प्रेशर जो है वो मतलब ओवर तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा हाई तो नहीं हो गया या फिर काफ़ी लो तो नहीं है, क्योंकि लो होगा तो तब भी कंप्रेसर लोड पर चलेगा, हाई प्रेशर होगा तो तब भी कंप्रेसर लोड पर चलेगा, तो दोनों सूरत में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए ये स्विच लगाए गए हैं ताकि अगर प्रेशर कम हो तो स्विच क्या करे, करंट कट आउट कर दे, और अगर प्रेशर हाई हो तो फिर क्या करे जो है ये प्रेशर को सेंस करके स्विच कट आउट कर दे। ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। यहाँ पर यहाँ तक तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा LP स्विच, लो प्रेशर स्विच और हाई प्रेशर स्विच जो है वो कैसे काम करते हैं। ओके, इसके ऊपर भी लिखा होता है, यहाँ पर इसके ऊपर भी लिखा होता है कि ये कितने प्रेशर तक काम करता है, मतलब उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये लो प्रेशर स्विच है या फिर हाई प्रेशर स्विच है। तो चलिए यहाँ पर इसकी हम वायरिंग पर बात करते हैं। ये डायग्राम मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके दो यहाँ पर दो वायर्स हैं और इसकी भी दो वायर्स हैं। ओके, ये दोनों ने जो है कनेक्ट होना है अपनी अपनी जगह पर। एक ने डिस्चार्ज, लो प्रेशर है ये सक्शन की तरफ कनेक्ट हो जाएगा, HP स्विच जो है ये डिस्चार्ज लाइन के ऊपर कनेक्ट हो जाएगा, जो हमारे कंप्रेसर के पास होगी, स्क्रोल टाइप कंप्रेसर या ब्रिस्टल कंप्रेसर, जो भी कंप्रेसर है। नॉर्मली ये हमारे
दो टन तक तो नहीं हमें देखने को मिलते, उसके ऊपर 4 टन में हमें ये देखने को मिलते हैं स्विच वगैरह। तो चलिए इसकी वायरिंग के ऊपर हम नज़र डालते हैं। तो वायरिंग इसकी बहुत ही सिंपल है, आपकी स्प्लिट एसी में ही देख लें कि जैसे हम कंप्रेसर की आउटपुट जो है वो निकालते हैं, आउटपुट में जो है कुछ वायरिंग कनेक्ट हमारी होती है, तो इसमें भी सेम ऐसे ही है। इसकी ये जो लाइन है ये कंप्रेसर इनडोर यूनिट कंप्रेसर आउटपुट से आएगी आपकी, ओके। उसके बाद जो है इसका ये जो है एक वायर इसके साथ कनेक्ट हो गई और ये आपका लो प्रेशर स्विच है, ओके। लो प्रेशर स्विच जो है कनेक्ट हो गया और इसके साथ जो है दूसरी वाली वायर जो है वो आगे चली गई और दूसरे स्विच की एक वायर के साथ ये कनेक्ट हो गई और फिर उसकी जो दूसरी आउटपुट है वो हमारी सीधी आगे चली गई। और आगे कहाँ पर लगेगी? आगे जो है ये लगेगी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के फेस के ऊपर, उसको न्यूट्रल जो है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को डायरेक्ट मिलेगी, फेस के ऊपर मिलेगी और फेस के ऊपर जो आपकी मेन सप्लाई आ रही है जब हमारा आउटपुट कंप्रेसर निकालेगा, ओके, इसमें से क्रॉस होती हुई सीरीज से होती हुई ये दोनों स्विच से आपके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन कर जाएगी और जब वो उसको ऑन करेगी और उसमें जो मेन सप्लाई आपकी होगी वो आपके कंप्रेसर को रन कर देगी। तो जैसे ही प्रेशर कम होगा या ज़्यादा होगा क्या होगा कि ये जो है करंट पास नहीं करेगी। अगर हाई प्रेशर ने सेंस किया, हाई प्रेशर हो गया है तो ये पास नहीं करेगा करंट, लो ने किया तो लो करंट जो है वो पास नहीं करेगा। तो क्या होगा कि आपकी कंप्रेसर इंडोर यूनिट से आउटपुट तो आ रही है कंप्रेसर वाली, लेकिन इन्होंने जो है प्रेशर कम या ज़्यादा होने की वजह से गैस लो है या गैस ओवर है या किसी भी वजह से प्रेशर कम है या ज़्यादा है, तो आप जो है यहाँ पर देखेंगे कि इसका करंट पास नहीं होगा, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर इसकी वजह से ऑन नहीं होगा और उसमें जो मेन सप्लाई होगी वो वहीं पर खड़ी रहेगी, आगे नहीं जाएगी। तो ये इसकी टोटली वायरिंग है। मैं कोशिश करूँगा एक जल्द ही वीडियो बनाऊँ जिसमें जो है 3 फेज यूनिट की जो है मैं एक डायग्राम तैयार कर रहा हूँ, जैसे ही वो क्लियर होगी तो इंशाल्लाह आपको वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगी। उसमें जो है आपको जो है आउटडोर यूनिट की टोटली कंप्रेसर फैन और उसके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर 3 फेज यूनिट की यानी कि टोटली वायरिंग जो है आपको यहाँ पर गाइड करूँगा और फिर कोशिश करूँगा कि एक प्रैक्टिकल भी बनाऊँ। मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत ही आसान वो डायग्राम बना रहा हूँ जो कि आपको काफ़ी फ़ायदा देगी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपको आज की वीडियो में ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये जो हमारा LP स्विच HP स्विच है ये किस कारण इसमें लगाया जाता है, इसका क्या बेसिक फंक्शन होता है और ये किस तरह से काम करता है और ये जो है इसके कनेक्शन जो है वो कैसे किए जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सॉफ्टव्यू YouTube चैनल को आपने जो है जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। वहाँ पर आपको मोबाइल टेक्नोलॉजी की वीडियोज़ जो है वो मिलती रहेगी। तो हमारे फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर अगर आप न्यू है तो HVAC से रिलेटेड वीडियोस हासिल करने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके, ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोस आइंदा भी जो है HVAC RAC से रिलेटेड मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।